नमस्कार दोस्त, मैं रवि कुमार पांडे आप लोगों के साथ, आप देख रहे हैं तरंग 24 न्यूज। बताना चाहूंगा कि त्रिस्तरीय जो यहां पर चुनाव हो रहा था ग्राम पंचायत का, वहां पर अब पंचायत का चुनाव जो कोर्ट में पहुंचा था पूरा मामला, अब कोर्ट ने इन सारी चीजों को रफा दफा कर दिया है। केस को क्लोज करते हुए उसने ये कहा कि अगर अब चुनाव ही नहीं होना है तो हम केस किस चीज का लड़ेंगे या किस चीज का केस चलाएंगे। जो पूरा मामला हुआ है वो हम आप लोगों को बताना चाहेंगे। बता दें कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने मध्य प्रदेश त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव एवं नगरीय निकाय चुनाव में 27% ओबीसी आरक्षण के संदर्भ में चल रहे केस को क्लोज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब चुनाव निरस्त हो गए हैं तो उसमें आरक्षण की बात विवाद कहां से। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के स्थानीय चुनाव के मामले में पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण दिए जाने के मामले में सुनवाई बंद कर दी है, जहां पर कोर्ट ने कहा है कि जबकि अध्यादेश खत्म हो गया है और चुनाव रद्द कर दिया गया है, तब इस मामले में सुनवाई की आवश्यकता ही नहीं रह गई। जहां सुप्रीम कोर्ट ने आयोग चुनाव आयोग को निर्देशित किया है कि भविष्य में वह जब भी चुनाव कराएगा तो आरक्षण देने से पहले सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए ट्रिपल टेस्ट का पालन करना पड़ेगा। उल्लेखनीय है कि कांग्रेस पार्टी की परिसीमन संबंधी याचिका पर सुनवाई के दौरान भारत के उच्चतम न्यायालय ने ओबीसी आरक्षण को रद्द करते हुए चुनाव आयोग को आदेशित किया है कि अब सभी सीटों को सामान्य रख मानते हुए नए सिरे से अधिसूचना जारी करें और चुनाव संपन्न कराएं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार और केंद्र सरकार ने अपील दाखिल की थी। लेकिन अब देखना यही है कि अब जो है चुनाव तो जरूर होगा, लेकिन जहां तक आप लोगों को उम्मीदें थी कि ट्रिपल टेस्ट और ये सारी चीजें जो न्यायालय में पेश की गई कि 27% आरक्षण, तो ये सारे मामलों को देखते हुए कि जब चुनाव वाकई में जब चुनाव नहीं हो रहा, तो अब बचा क्या है जो वो फैसला सुनाए, उसको सभी चीजों को रखते हुए अब कोर्ट ने निरस्त कर दिया, फैसला रद्द कर दिया, इस केस को ही रद्द कर दिया है। अब देखना यह होगा कि इन सब चीजों पर कि चुनाव कब तक होता है, क्योंकि ग्रामीण जन जो है अब सरपंची के पावर वापस आने से भी कहीं ना कहीं लोगों का यह विश्वास है कि जब 7 साल में कोई विकास नहीं हुआ तो आए दिन अब 4 दिनों में कौन सा विकास हो जाएगा ग्रामीण क्षेत्र में, जब तालाब खुदा ही नहीं और वहां पर लोगों को पैसा मिला ही नहीं, तो अब ग्राम पंचायत का सरपंच तो घोटाले पर घोटाले करते जा रहे, तो बचा क्या इनके पास जो 4 महीने में ये गांव को सिटी बना देंगे। अब देखने लायक ये होगा कि चुनाव कब तक होता है, ये एक बड़ा सवाल है। जहां तक उम्मीद जताई जा रही है कि कम से कम 6 से 7 महीने लग सकते हैं, लेकिन अभी बीच में जो कोरोना बढ़ता जा रहा है उससे अभी कहां कुछ नहीं जा सकता कि कब तक ये सारे मामले देखने को मिलेंगे कि आखिर में चुनाव होगा भी अभी या नहीं। धन्यवाद, ऐसी खास खबरों के साथ बने रहे तरंग 24 न्यूज पर। मैं रवि कुमार पांडे आप लोगों के साथ, नमस्कार, जय हिंद।